मैं लिम्रा टाइम से चांद, आज मैं जो हूँ बहुत दिनों के बाद जो है आपके सामने हूँ। और मैं आज जो है कि जितने इन्वेस्टर हैं आज मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ, चाहे वो सपोर्टर्स हो या कंप्लेनेंट हो। आज मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से, उनसे जो इन दोनों सपोर्टर्स के और कंप्लेनेंट के रहबर हैं, कमांडिंग कर रहे हैं उनकी और उनको रास्ता दिखाने वाले हैं। और मेरी बात जो है सिर्फ एक कहानी है और इस कहानी में मैं उनको ये बात बता रहा हूँ और शायद वो समझ जाएं, अगर उनको बुरा लगे या अच्छा लगे। एक मर्तबा की बात है, एक जाली पीर थे और जाली पीर का एक मुरीद था। उस मुरीद ने एक ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद अपने पीर के पास गया और कहा, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताइए, रात मैंने ख्वाब देखा। तो पीर साहब ने बोले, ख्वाब बयान कर। मुरीद ने कहा कि मैंने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मेरे सामने दो बर्तन रखे हुए, एक बर्तन में नजासत है और एक बर्तन में शहद है, और नजासत वाले बर्तन में मेरे हाथ डूबे हुए हैं और शहद वाले बर्तन में आपके हाथ डूबे हुए हैं। तो पीर साहब ने कहा कि वहाँ उसकी बात रोक दिया। पीर साहब ने कहा कि इसका तो एकदम साफ साफ जो है ताबीर है, तुम्हारे हाथ नजासत में इसलिए डूबे हुए हैं कि तुम्हें दुनियादारी है और दुनियादारी की मिसाल जो है नजासत की तरह है, इसलिए तुम्हारे हाथ जो है नजासत में डूबे हुए हैं। और मेरे हाथ जो है शहद में इसलिए डूबे हुए हैं क्योंकि मुझ में दीनदारी है और दीनदारी की वजह से जो है मेरे हाथ जो है शहद में डूबे हुए हैं। तो मुरीद ने कहा कि ख्वाब तो अधूरा बयान किया हूँ, पूरा ख्वाब तो सुन लीजिए। आगे मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ, मुरीद कहने लगा कि मेरे नजासत में डूबे हुए हाथ हैं और आपके शहद में डूबे हुए हाथ हैं, आप में शहद की डूबी हुई उंगलियाँ मैं चाट रहा हूँ और मेरी नजासत में डूबी हुई उंगलियाँ आप चाट रहे हैं। तो पीर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे भगा दिए। और इसे लिखने वाले रावी ने इस ख्वाब की ताबीर लिखता है कि वाकई में जो मुरीद था उसकी वो दुनियादारी में डूबा हुआ था, इसीलिए उसके हाथ जो है नजासत में डूबे हुए थे, लेकिन उसका दिल जो है दीन हासिल करने के लिए था, इसीलिए वो पीर साहब के पास जाता था और दीन हासिल करने के लिए जो है ख्वाब में वो यही देखा कि वो शहद से डूबी हुई उंगलियाँ चाट रहा था। उसी तरह जो है पीर साहब के पास दीनदारी थी और दीनदारी की वजह से उनकी उंगलियाँ जो है शहद में डूबी हुई थी, लेकिन वो मुरीद को अपने दीनदारी देने की बजाय जो है उससे दुनियादारी हासिल करना चाहते थे, इसीलिए वो मुरीद के डूबे हुए नजासत की उंगलियाँ चाट रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने जो कंप्लेनेंट और सपोर्टर्स हैं आज जो है बहुत मतलब पैनिक में हैं और बहुत ही मतलब वो परेशान हैं, और जितने जो हमारे जो मेहरा शेख के जो वकील है लीगल पैनल की टीम है उनसे हमें कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, कौन सी तारीख पे मेहरा शेख का केस कौन से कोर्ट में है ये हमें कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, और ना इससे पहले हमें मिलती थी, हम अपने तरीके से छानबीन करके वहाँ पहुँचते थे, लेकिन आज जो है मेहरा शेख को जो है हैदराबाद में हैं और हम मुंबई में हैं, तो हम वहाँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना हमें चित्तूर की कांटेक्ट मिल पा रही है, ना तिरुपति की मिल पा रही है, ना मालेगांव की मिल पा रही है, ना बुल्ढाना की मिल पा रही है, इसी तरह हमें कहीं की भी कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं और इनके वकील से हमारे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और आगे ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने जो सपोर्टर्स के जो रहबर या जो भी हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है आपके साथ इतनी बड़ी टीम है सपोर्टर्स की, आपका काम है और आपका जो वक्त जो है आप जो है सपोर्टर्स को सब्र दिलाने से बेहतर ये है कि आप मेहरा शेख को जो है बेल पे भार ले आए, आप उस पर जो है ध्यान देना चाहिए और आपका जितना जो है आगे का एक्शन प्लान जो है वहाँ होना चाहिए। और दूसरा जो मेरी बात है कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के जो रहबर या जो भी क्यादत कर रहे हैं उनकी, उन्होंने कहा था कि अपने कंप्लेनेंट को उनका जो है डूबा हुआ अमाउंट दिलाएंगे, आप उनको डूबा हुआ अमाउंट दिलाने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें पौंजी स्कीम से उनसे उनको कोई मतलब नहीं, घाना में फैक्ट्री का है उनसे कोई मतलब नहीं, टेक्सटाइल की फैक्ट्री का है उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जितना काम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिव करके
कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा और कोर्ट फैसला करेगी कि, और कोर्ट पूछेगी नोहरा शेख से कि तुम्हारी घाना की फैक्ट्री किधर है, जो जो एक्स वाई जेड जो भी है वो पूछेगी। आप उन्हें गुमराह करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप उनका अमाउंट दिलाने की जो है आपके जो वकील हैं उनसे आप ये आप जो है उन पर दबाव बनाइए और उनसे जो है जानकारी हासिल करके उनकी जो परेशानी और तकलीफ है वो जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश कीजिए। ये मेरी जो है आज की जो अपडेट है, शायद किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन जो मैंने ज़मीनी हालात पे लोगों के जो हालात देखे हैं उस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और आगे जो अपडेट ये है कि रंगारेड्डी कोर्ट में जो है नोहरा शेख की जो लास्ट तारीख थी, रंगारेड्डी कोर्ट ने जो है उनको 12 मार्च तक जो है जेल कस्टडी दे दिया है। उसी तरह नामपल्ली कोर्ट ने जो है उनको प्रोड्यूस किया गया था, नामपल्ली कोर्ट ने जो है 14 मार्च तक जो है उनकी जेल कस्टडी एक्सटेंड कर दी। और मुंबई सेशन कोर्ट में जो इनकी तारीख थी तो उस तारीख को जो है 16 मार्च तक के लिए जेल कस्टडी एक्सटेंड कर दिया गया। और उसी तरह जो है मालेगांव में जो है लास्ट टाइम पे जो एंटीसिपेटरी बेल पे सुनवाई थी वो सुनवाई जो है 16 मार्च हो गई है। और बुल्डाना में जो है एंटीसिपेटरी कैंसिल हो गई थी और उनके वकील ने कहा था कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट हमें मिली नहीं, वो हाईकोर्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसी तरह जो है नवी मुंबई में जो एफआईआर हुई थी तो वहाँ पे जो थाना कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया था, तो थाने के जज ने जो है नवी मुंबई पुलिस को जो है नोहरा शेख की जो है पीसी कैंसिल करके जेल कस्टडी ग्रांट कर दी थी। लेकिन वहाँ पे नोहरा शेख के साथ जो एफआईआर में जो दूसरे जो नाम शामिल था एमई या डीए से जो है अजीजा जुआले नाम है उनका, हमें कल तक की जो खबर मिली थी कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और फिर ये भी खबर मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये दो बातें थी लेकिन दो बातों में हमें कोई ऑथेंटिक तौर पे जानकारी नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि उनका एफआईआर में नाम था और उनको बुलाया भी गया होगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया होगा। लेकिन हम इंशाल्लाह जैसी ये खबर मिलेगी आपको इसकी भी जानकारी देंगे। अभी इतना तय है कि उनको पुलिस लेकर गई है, वो गिरफ्तार करी है या पूछताछ के लिए, ये बात अभी तक ऑथेंटिक तौर पर नहीं मालूम हुई। इंशाल्लाह मालूम पड़ेगी वो हमें बताएंगे, क्योंकि वो नई मुंबई की डीएसए या जो भी है कंपनी की डीएसए एमी जो भी थी। और आगे मेरी कहने की बात यह है कि नोहरा शेख के जो लीगल पैनल के वकील हैं उनकी क्या एक्शन प्लान है। ठीक है, आपका एक्शन प्लान जो भी होगा, लेकिन हमें उस एक्शन प्लान से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है, पैनिक है, उन तक जो है सही जानकारी पहुँचे। आप लोग जो है हमसे बात करने के लिए कतराते हैं, और खासकर मैं ना हैदराबाद के जो वकील हैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल अपडेट देते नहीं हमें, वहाँ की कोई अपडेट हमें बताते नहीं है। बस हम जो है अपने तरीके से जानकारी इतने दिन से हम अपने तरीके से जानकारी हासिल कर रहे थे, हमारी भी अपनी मसरूफियातें हैं, हमारी भी हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, फिर भी हम आपके मोहब्बत और आपकी जो मतलब जो दिल लगा हुआ है, इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत की वजह से हम ये जो काम कर रहे थे इंशाल्लाह आगे भी हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता था कि थाना सेशन कोर्ट में जो है नोहरा शेख के जो रिलेटिव आए थे उन्हें उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। मिलने नहीं देने पे वहाँ के उनके वकील ने जो है कोर्ट से गुहार लगाई, अपील की है। अपील करने के बाद में थाना सेशन कोर्ट के जज ने जो है ऑर्डर दिया कि नोहरा शेख से जो है उसके जो एडवोकेट हैं वो मिल सकते हैं, चाहे जेल में या पीसी में, और उनके जो ब्लड रिलेटिव हैं यानी उनके खूनी रिश्तेदार जो है भाई माँ बहन बेटा बेटी ये मिल सकते हैं, उसके अलावा कोई मिल नहीं सकते। और ये जो है तमाम कोर्ट पे लागू होता है और हर कोर्ट जो है एक ही तरह का फैसला देती है। और इसी तरह जो आरोपी होते हैं उनके जो रिलेटिव होते हैं वही मिल सकते हैं, और उनके जो लीगल वकील या जो भी एडवोकेट हैं वो मिल सकते हैं, और कोई नहीं मिल सकते। और मैं एक बात आखिरी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जितने जो सपोर्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो कमांडिंग कर रहे हैं या उनकी जो क़ियादत कर रहे हैं, तो मैं सपोर्टर लोग से कहना चाहूँगा कि आप जो है इधर उधर की बातों में ना उलझें, आप सब्र कर रहे हैं तो आप अपने जो रहबर हैं उनसे भी उनसे कहिए कि हम सब्र कर रहे हैं आपके कहने के मुताबिक, और जो भी हमारी दिल की जो हमारा जो फैसला था हमारे फैसले के हिसाब से हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है नोहरा शेख को जो है बेल पे लाने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल में आपका क्या इसका काम हो रहा है उस पर आप बात कीजिए। आप दूसरी बातों पर अपना ध्यान मत भटकाइए,
इस बात पे अपना ध्यान दीजिए कि नुहरा शेख कब बाहर आने वाली है और उनकी बेल कब होने वाली है, इस पे ध्यान दीजिए और सब्र करो बर्दाश्त करो की बात वो ठीक है आपको कह रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कह रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं उनसे आप जरूर उनसे मतलब आप सवाल कीजिएगा और उन्हें झिझोड़िएगा। उसी तरह कंप्लेनेंट से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग को इसलिए बुलाया गया था कि आपके अमाउंट मिल जाएंगे। आपको अपने अमाउंट से मतलब है वो पौंजी स्कीम है या ढाना में क्या कंपनी वगैरह वगैरह जो भी है आप उस पर अपना ध्यान मत भटकाइए। आप अपना एक ही ध्यान रखिए, आपका मकसद भी कंप्लेंट करने का ये था कि आपको अपने अमाउंट रिटर्न मिल जाए। तो आप भी जो है आपके जो वकील हैं आप उनसे मिलिए, कोशिश कीजिएगा और उनसे जो है आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे अमाउंट किस तरह हमें मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के जितने अमाउंट थे या जो भी है अमाउंट की रकम है इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है UAWCCS जो भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रॉपर्टी सीज कर चुका है और आपके अमाउंट महफूज या जो भी है अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है जो भी है वो आप जो है अपने वकील से जो है इस बात की जो है दबाव बनाइए या उनसे मतलब अपील कीजिएगा। आप भी जो है इधर उधर जो है ध्यान भटकाने वाले बातों पे ना जाइए और जो है अपनी मतलब अपने अमाउंट को किस तरह हासिल करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं करीम लिमरा टाइम से अभी मैं आपको कुछ ऐसा कोई लॉजिक बताने जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ सोचने की बात है। मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारे पास खास करके मेरे पास दिन में 200 से 250 कॉल आते हैं तो मैं उनका जवाब दे के थक जाता हूँ। मैं हर कॉल उठाने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ कॉल ऐसे हो जाते हैं जो मिस हो जाते हैं। लेकिन हर कॉल में एक ही सवाल होता है हमारा पैसा कब मिलेगा। और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि वो नंबर देख के इतनी हमारी आवाम है इतनी मतलब क्या बोलते हैं इतनी कमजोर सोचने वाले हैं उनको ये लगता है कि ये हीरा गोल्ड का नंबर है इसके वजह से डायरेक्टली मुझे कॉल आता है कि हीरा गोल्ड का हेल्पलाइन नंबर है मुझे पैसा चाहिए मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो उनको उनके उनके उनको बोलने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता। मतलब जवाब के तौर पर मैं इतना सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि आपा आएगी तो देगी। इसकी वजह यह है कि आवाम इतनी परेशान है अगर मैं उनको कुछ और बोलता हूँ तो वो कहीं और सदमा नहीं ले। तो इसके वजह से मैं 99% कोशिश करता हूँ कि मैं सच बोलूँ। और साथ ही साथ में मुझे कुछ और थोड़ा नॉलेज देना है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली फ़ोन में नॉलेज देता रहा हूँ कि सोशल मीडिया के जो लोग के जो वीडियोज़ आते हैं वो वीडियोज़ को देख के आप गुमराह नहीं हुए आपको अपनी समझ लगाना है। हमारे रसूल ने कहा था टाई योर कैमल एंड ट्रस्ट गॉड। ये एक स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट को काफ़ी मायने है इसको सोचने का तरीका होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे हक पे रहें मतलब किसी के भरोसे पे नहीं रहें। मतलब जो सोशल मीडिया वाले बोल रहे हैं उसकी बात पे हाँ पे हाँ मिलाने से बेहतर है अपना खुद का दिमाग लगाए। और दूसरा चीज़ हर जगह पे मैंने देखा है कि मतलब एक ग्रुपिज्म होता है। अभी हीरा गोल्ड में फेवर की टीम में दो ग्रुपिज्म है। एक कोई ये बोल रहा है कि एसोसिएशन में जमना चाहिए कोई ये बोल रहा है एसोसिएशन में नहीं जमना चाहिए। हमारा एसोसिएशन से कोई एफिलिएशन नहीं है ना मुंबई वालों से है ना पूना वालों से है लेकिन हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कहीं जो सही मसला जो सही पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो वहाँ पर आप जुड़े। हम किसी को भी गाइड नहीं करेंगे कि आप जमे या ना जमे इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमारा कोई एडवाइस नहीं है इसमें। तीसरा पॉइंट है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि UAW जो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स आते हैं UAW जो इकोनॉमिक्स विंग के रिपोर्ट्स जो आते हैं जो चार्जशीट फाइल होती है वो चार्जशीट फाइल होने के बाद में उसको डिटेल्स में कोई बता रहा है तो उसके उस पर ध्यान ना दे। मतलब एक्चुअली कैसा होता है कि हर जगह पर अप्रॉक्स बट इफ वाला काम होता है तो बट इफ वाले में काफ़ी मायने चेंज हो जाते हैं इसको ध्यान से देखें। चौथा पॉइंट है आपको अगर कोई आके आपको गाइड कर रहा है मैं 99% ये लिख के दे रहा हूँ कि जितने भी FIR हुए हैं सबके अंदर मीडिएटर्स भी इन्वॉल्व हैं जैसे कि ME भी इन्वॉल्व है ME का भी अरेस्ट वारंट है जैसे कि आपने देखा नबी मुंबई के अजीजा उजवाले उनको आज में अरेस्ट किया गया। तो ME और DSA ये आपको 99% कोशिश करेंगे आपको गुमराह करने की आपको अंधेरे में रखने की कोशिश करेंगे। आप अपना दिमाग लगाइए जो आपको सही लगता है वो करें। शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ थैंक्स। अगर आप लिमरा टाइम से जुड़ना चाहते हैं एज ए रिपोर्टर काम करना चाहते हैं तो हमको इस नंबर पे संपर्क कीजिए। लिमरा टाइम्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना तेज ताज़ा खबरों के लिए।